में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट का जो फैसला आया है कि तमाम ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय, जात की हों, 18 वर्ष की शादी वो नहीं कर सकते। 18 वर्ष की आयु में अब शादी का जो उम्र निर्धारित किया है सरकार ने, वो 21 वर्ष निर्धारित कर दिया है। और लड़कियों का 21 वर्ष जो निर्धारण हुआ है शादी के लिए, इसको जनपद मिर्जापुर के लोग कैसे देखते हैं? और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अल्पसंख्यक दिवस भी मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इरशाद अली जी भी हैं, जो आज अल्पसंख्यक दिवस पर मुख्य भूमिका और जो है चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित भी हुए थे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो सरकार ने जो ये फैसला दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का जो ये फैसला आया, निर्णय आया है, मेरी नज़र में वो वाकई स्वागत योग्य है और अभिनंदनीय है। इसमें तमाम कुछ कहीं आवाज आ रही थी कि ये हो सकता है कि कोई सरकार की चाल हो, क्या ये कोई चाल है या एक्चुअल में देश हित में ये कदम है? देखिए, इसको चाल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये व्यापक जो है युवतियों के हित में है। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी। सुनने में भी आपके भी आया होगा कि एक जो एज मैच्योर्डनेस होनी चाहिए, वो जैसे कि 21 वर्ष निर्धारित किया है सरकार ने, कैबिनेट में ये चीज़ें प्रस्ताव मंजूर भी हो गया है, जल्दी जो है ये कानून का रूप भी ले लेगी। तो अगर पर्सनल जो है मेरा स्टेटमेंट माना जाए या मेरी खुद की अभिव्यक्ति मानी जाए, तो 21 वर्ष या 25 वर्ष के लगभग जो है युवतियों की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम केवल फिजिकली डेवलपमेंट को नहीं देख रहे हैं, मैच्योरनेस को नहीं देख रहे हैं, मेंटल भी जो है बहुत ज़रूरी होता है, जानने का, समझने का और एक उचित निर्णय लेने का, और जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, किसको हम सफर बनाया जाए, किसके साथ हम प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं, किसके साथ हम वैवाहिक स्थिति में आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को समझने का एक एक उचित समय, एक उचित उम्र को निर्धारण करते हुए सरकार ने का ये निर्णय है। ये वाकई सरकार का जो ये डिसीजन है, वो हम उसका वेलकम करते हैं। सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि ये 21 वर्ष उपयुक्त वर्ष है लड़कियों की शादी के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, तो 18 वर्ष का जब ये जो है था कि 18 वर्ष में ही शादी करेंगे, तो उसमें क्या कुछ समस्या होती थी? आप क्या इस पर भी फोकस डाल पाएंगे? देखिए, इसमें जितने लोगों से आप बात करेंगे उसमें भिन्न भिन्न जो है आपको राय मिलेंगी, क्योंकि कोई 18 वर्ष कहेगा, कोई 21 वर्ष कहेगा। आप यकीन मानिए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो 25 वर्ष या 30 वर्ष तक जाते हैं, लोगों का मानना है कि हाँ, हम इस एज में हम उस योग्य हो चुके हैं या उस लायक हो चुके हैं कि अब हमें इस तरह के डिसीजंस लेने हैं, या हमें किसी से प्रेम करना है, या मुझे किसी से जो है वैवाहिक बंधन में बंधना है। तो ये कठिनाई का ये विषय नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना एक मेंटल सेटअप है कि कौन किस नज़रिए से इसको देखता है। अभी आप देखिए, ताज़ा उदाहरण है, चूँकि आज का विषय ही युवतियों पर है और वर्ष का निर्धारण जो हुआ है, तो हम तो उसी पे बोलना उचित समझेंगे, क्योंकि एक प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए। अभी एक कार्यक्रम से निकल कर के आया हूँ, जैसा कि आपने बोला, तो एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस मुझे करना पड़ता है। तो मुझे याद है कि आपने इसके पहले एक इंटरव्यू किया था मेरा, और आपने एक प्रेम के विषय पर मुझसे मेरी राय मांगी थी। तो मुझे मुझे जो एक ज्ञान आधारित जो बातें हैं, जो एक वैदिक आधारित बातें हैं, जो ईश्वरत्व की चीज़ें हैं, जिसको मैं फील करता हूँ या महसूस करता हूँ, अधिकांश लोगों में वो चीज़ें निहित हैं और कुछ लोगों में ऐसा नहीं है। तो वो बात मैंने आपके समक्ष रखी थी। ताज़ा उदाहरण आप प्रियंका चोपड़ा को देख सकते हैं, हमारी बॉलीवुड की जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आप कैटरीना कैफ को देख सकते हैं, आप ऐश्वर्या राय को देख सकते हैं। तो ऐसे ही ज्वलंत बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि इस एज में आकर के अपना मतलब ये इस तरह का डिसीजन वो ले रही हैं। अब प्रेम को अगर उस रूप में देखें, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जो यंगस्टर हैं, जो युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, हम उनको एक मैसेज भी देना चाहेंगे। जब शुरुआत होती है उस उम्र की या उस एज की जब शुरुआत होती है, प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा, बेसिक एजुकेशन पाने वाले बच्चे से अगर आप ये कहें कि हाँ, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन को जो है तुम फुलफिल करो या उसको जो है इसका आंसर दो, तो इस प्रश्न का जो प्रत्युत्तर असंभव जैसा लगता है। हम क्रिकेट पे चौका छक्का तब मार सकते हैं जब हम उस लायक हों, फिजिकल हम फिटनेस हों, मेंटल स्टेप फिटनेस हो, क्योंकि वो उस एज में हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल। हमें प्रेम को समझना है, हमें वैवाहिक
जीवन में अपनी कल्पनाओं की पूर्ति करनी, क्योंकि हर एक लड़की जो है वो ये चाहती है कि उसका होने वाला हमसफर या उसका होने वाला जो प्रेमी है उसके में सारे गुण जो है हों। ठीक बात है। इरशाद भाई के मुताबिक जो ये एज निर्धारित किया गया है निश्चित रूप से अब शायद ये मेच्योर एज है जिसमें तमाम लड़कियां तमाम बेटियां अपने जो है मन मुताबिक अपने जीवन साथी का भी चयन करने में उनको सुविधा हो सकती है। सर एक चीज़ आप ये बताएं कि आज अल्पसंख्यक दिवस पे तमाम कई लोग आज विद्वानों का एक जगह एक एकत्रित होना, आपको लगता है कि जो सरकार है जो केंद्र की सरकार है उस निर्णय का आज आप लोगों के भी बैठक में सराहना किया गया? बिल्कुल सराहना किया गया। आपने अभी देखा और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो आप इस बात को आपने फील किया होगा, जितने प्रबुद्ध जन थे या फिर जो भी विभाग के उच्च अधिकारी गण थे वो इस बात को सुनना चाहते थे और मेरे वक्तव्यों को उन्होंने अंदर लिया, दिल में लिया। और जो युवतियाँ बैठी हुई थी उन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम आपसे इंस्पायर्ड हैं, हम कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। अच्छा, ये केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार निरंतर बोल्ड डिसीजन लेती है, इसको आप कैसे देखते हैं कि सच में क्या सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की पद्धति पर चल रही है? नहीं तो ये तो चीज़ें जो डिस्प्लेड हो रही है ना कि अगर वो डिसीजंस ले रही हैं लगातार और खासकर कि मुस्लिम या अल्पसंख्यक युवतियों की हित में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो उनके हित में ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से बेबाकी से इरशाद अली जी ने अपनी बात को रखा है, निश्चित रूप से केंद्र और प्रदेश की सरकार का ये निर्णय, कैबिनेट का ये निर्णय कि अब लड़कियां किसी भी धर्म समुदाय जात की हों उनकी जो शादी का उम्र निर्धारित कर दिया गया है वो 21 वर्ष के पूर्व अगर शादी करती हैं तो अवैध माना जाएगा। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ये एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि आज के वक्त में लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आज जो NEP भी हमारी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भी जो हमारी पढ़ाई होगी उसमें बच्चियों को ज़रूर मौका मिलेगा कि वो वोकेशनल कोर्सेज को बहुत अच्छी तरह अपने अंदर समाएं। और 21 साल की उम्र बेहतरीन उम्र है फिजिकल टर्म में भी और सोशल टर्म में भी, क्योंकि उसके अंदर समझदारी भी पैदा हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि हमारे जो महिला कम्युनिटी है उसको बहुत स्ट्रेंथन करेगी, उसको बहुत मजबूत करेगी और हम जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको इसका वेलकम करना चाहिए और इसको ध्यान देना चाहिए कि इससे पहले हर वो कदम ना उठाएं हम जिससे कि हमारी बच्चियों के ऊपर किसी तरह का जरा आ सके। शुक्रिया।